हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ आलू गोभी मटर की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आलू गोभी और मटर की सब्जी बनाएंगे हम आज। उसके लिए मैंने यहाँ पर गोभी को इस तरह से कट करके उसको मैंने धोकर साफ कर लिया, आलू की इस तरह से छोटे छोटे पीसेस कट कर लिए और टमाटर को हम बारीक पीस कर उसका पेस्ट बना लेंगे। और यहाँ मैंने एक प्याज और लहसुन की 4-5 कलियों का बारीक पीस कर इस तरह से मैंने पेस्ट बना लिया है। चलिए हम सब्जी बनाते हैं। सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ कढ़ाई ले लिया है। कढ़ाई में हम तेल डाल लेंगे। मैं यहाँ पर सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। और तेल जब हमारा गर्म हो जाएगा तब इसमें हम गोभी फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं तेल गर्म हो गया, अब उसमें हम गोभी डालकर उसे हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। हम गोभी डाल देंगे और उसे हम अच्छी तरह से गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। इसमें हम थोड़ा सा नमक भी ऐड कर देंगे। ऐसे हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। हमें इसे बीच बीच में इस तरह से चलाते रहना है और इसे हम ढककर अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, जिससे हमारी गोभी अच्छी तरह से सॉफ्ट भी हो जाएगी, गल जाएगी और हमारी गोभी फ्राई भी हो जाएगी। इसे हम ढककर अच्छी तरह से 5 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। हम इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे जिससे ये चिपके ना कढ़ाई से, और इसे हम अच्छी तरह से भून लेंगे। नमक हमने इसमें पहले ऐड कर दिया जिससे गोभी में अच्छी तरह से नमक घुस जाएगा। इसे हम अच्छी तरह से फ्राई कर लें। आप देख सकते हैं गोभी हमारी फ्राई हो रही है, इसे हमें अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। इसे हम ढककर ही फ्राई करेंगे जिससे हमारी गोभी अच्छी तरह से गल जाए, और इसे लो टू मीडियम फ्लेम से फ्राई करना है, नहीं तो गोभी हमारी जल जाएगी। इसे हमें ढककर अच्छी तरह से 5 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। आप देख सकते हैं गोभी हमारी अच्छी तरह से फ्राई हो गई है, अब इसे हम निकाल लेंगे। अब उसी तेल में हम ये आलू भी फ्राई कर लेंगे। इसमें हम थोड़ा नमक ऐड कर देंगे जिससे आलू के अंदर तक नमक चला जाए, और इसे भी हम ढककर लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से भून लेंगे। इसे ढककर हम इसलिए पका रहे हैं जिससे हमारे आलू अच्छी तरह से गल जाए। अब इसे ढककर आप 5 मिनट के लिए अच्छी तरह पका लें, जिससे आलू हमारी अच्छी तरह गल भी जाएगी और आलू हमारी फ्राई भी हो जाएगी। हम बीच बीच में उसे इस तरह से चलाते रहेंगे और ढककर हम इसे अच्छी तरह से 5 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमारा आलू भी अच्छी तरह से फ्राई हो गया है, अब इसे भी हम निकाल लेंगे एक बर्तन में। अब उसी बचे हुए तेल में हम यहाँ पर 2 सूखी लाल मिर्च और 1 तेज पत्ता डाल देंगे, और उसमें मैं यहाँ पर 5 फोरन डाल ली हूँ। 5 फोरन में यहाँ पर मेथी, राई, सौंफ, जीरा और मंगरेले, ये हम डालकर उसे तड़कने देंगे। जैसे ही वो तड़क जाए तब उसमें हम प्याज और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। यहाँ प्याज और लहसुन का पेस्ट मैंने डाल दिया है, इसे हम अच्छी तरह से भून लेंगे। दो मिनट के लिए इसे हम अच्छी तरह से भून लेंगे लो टू मीडियम फ्लेम में। अब इसमें हम मटर डाल देंगे और उसे भी हम अच्छी तरह से प्याज और लहसुन के साथ भून लेंगे। इसमें अब आप नमक डाल लें, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें। नमक यहाँ पर मैं कम डालूंगी क्योंकि मैंने गोभी और आलू में भी नमक डाला था, इसलिए नमक मैं इसमें कम डालूंगी, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें। और इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से हम भून लेंगे। अब देख सकते हैं प्याज और लहसुन अच्छी तरह भून गई है, उससे बहुत अच्छी खुशबू आने लगी। अब इसमें हम टमाटर का पेस्ट डाल देंगे। यहाँ मैंने 3 टमाटर बारीक करके पीस लिया है, अब इसे भी डालकर हम ढककर अच्छी तरह से हम 5 मिनट के लिए भून लेंगे।
हम बीच बीच में इसे इस तरह से चलाते रहेंगे जिससे कढ़ाई से वो चिपके नहीं। आप देख सकते हैं टमाटर का कलर चेंज होने लगा है और उससे पानी भी ड्राई होने लगा है, मतलब टमाटर हमारी अच्छी तरह भून रही है। जब ये भून जाएगा तो इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा और साइड में से तेल छोड़ देगा, मतलब टमाटर हमारी अच्छी तरह से भून रही है। अब इसे ढककर हम अच्छी तरह और भून लेंगे। आप देख सकते हैं टमाटर भी अच्छी तरह भून गई है और मटर भी हमारी सिज गई है। अब इसमें हम मसाले डालेंगे। मसालों के लिए मैंने यहाँ पर एक बड़ी चम्मच धनिया पाउडर लिया है, लाल मिर्च पाउडर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लें, और यहाँ पर मैंने आधी चम्मच जीरा और काली मिर्च का पाउडर लिया है, और एक छोटी चम्मच हल्दी पाउडर लिया है। ये डालकर हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे हम अच्छी तरह से भून लेंगे। हम थोड़ा थोड़ा पानी इसमें डालकर इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। ज़रूरत पड़ने पर इस पर हम और भी पानी डालेंगे। इसे अब अच्छी तरह आप भून लीजिए, ढक ढक कर आप इसे अच्छी तरह से भून लीजिए। आप देख सकते हैं मसाला हमारा भून गया है। इसमें हम थोड़ा सा पानी और डालकर इसे हम 2 मिनट के लिए और अच्छी तरह से भून लेंगे जिससे साइडों में से तेल छोड़ने लगे, साइड में से तेल रिलीज होने लगेगा मसाले में से, मतलब हमारे मसाले अच्छी तरह से भून गए हैं। इसे हम पानी डालकर 2 मिनट के लिए और अच्छी तरह से भून लेंगे और हमारी मटर भी इतनी देर में जब तक सिज जाएंगे, गल जाएंगे। आप देख सकते हैं फ्रेंड साइड में से तेल रिलीज होने लगा है, मतलब हमारे मसाले अच्छी तरह से भून गए हैं। अब इसमें हम गोभी और आलू जो फ्राई करके रखे थे वो डालकर उसे भी हम 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेंगे। इसमें हम थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देंगे और इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स करके हम 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। ढककर इसे भी हम अच्छी तरह भून लेंगे। हम बीच बीच में उसे इस तरह से चलाते रहेंगे। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आ गया और साइड में से तेल भी आने लगा है। इसे हम 2 मिनट के लिए और अच्छी तरह से ढककर पका लेंगे जिससे हमारे आलू अच्छी तरह से गल भी जाएंगे और गोभी भी हमारी अच्छी तरह गल जाएगी। आप देख सकते हैं मसाले अच्छी तरह से भून गई है और साइड में से तेल भी आ गई है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ग्रेवी के लिए। आपको जैसी ग्रेवी चाहिए आप उस हिसाब से पानी ऐड कर दें। मैं यहाँ पर कम ग्रेवी रख रही हूँ इसलिए पानी मैंने थोड़ा ऐड किया। और इसमें हम गरम मसाला डाल देंगे, आधी छोटी चम्मच इसमें हम गरम मसाला डाल देंगे और इसे हम अच्छी तरह उबाल आने देंगे 2 मिनट के लिए। इसमें हम बारीक कटी हुई हरी धनिया भी ऐड कर देंगे और इसे हम अच्छी तरह से उबाल आने देंगे 2 मिनट के लिए। आप देख सकते हैं हमारी आलू गोभी की सब्जी बनकर तैयार हो गई है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि अब मेरी आलू गोभी और मटर की सब्जी बनकर तैयार है। आप लोग भी मेरी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आप लोगों को मेरी यह रेसिपी कैसी लगी। मेरी यह रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।